मूसा, क्या क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। पानी? हाँ हाँ, देती हूँ पानी। मूसा, पानी। मूसा बेटा, ये खला में हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? वो अम्मी पानी मांग रहा था, पानी चाहिए था। माँ हूं मैं तुम्हारी बेटा, सब जानती हूँ तुम्हारे अरमान, तुम्हारी ख्वाहिशें, उस बेकदरी के लिए किस तरह तुम्हारे दिल में है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना बेटा कि उन तिलों में तेल नहीं है। ये लो पानी। अरे अम्मी, आप क्यों बदल होती हैं रूही की तरफ से? मुझे अपनी मोहब्बत पे ना पूरा भरोसा है, आप देखिएगा बदल जाएगी वो एक दिन। अल्लाह करे कि ऐसा ही, मेरे तमाम वसवसे गलत साबित हो और तुम सही हो। इंशाल्लाह। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अच्छा तुम पानी पियो, मैं लेकर आती हूँ। अनीशा, तुमने इतने सारे कपड़े, इतनी सारी चीजें एक साथ ले ली हैं, वजह तो मुझे एक दिन में इतनी शॉपिंग करने ही नहीं देते। अभी तो मैंने शॉपिंग शुरू की, अभी बहुत कुछ लेना है मुझे बेबी के लिए। ठीक है, कपड़ों तक तो ठीक है, लेकिन टॉयज में अभी बहुत टाइम है बेबी के पास। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, तुम्हें बता नहीं सकती। देखना, बेबी का कमरा मैं अपने हाथों से सजाऊंगी, कर्टन्स, वॉल कलर्स, सब कुछ खुद करूंगी। पता है मुझे पहले कभी भी शॉपिंग करने में इतना मजा नहीं आया था जितना आज आ रहा है। चले, क्या हुआ, ठीक हो तो? हाँ, I think मैं थोड़ा थक गई हूँ, और कुछ नहीं। तो हम बैठ जाते हैं ना, आ जाओ। हाँ, चल, मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं। ये दे दो, आओ। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आने। एक तो ना कर्जा उतार सका ना पैसे ला सका, और ऊपर से हड्डियां तुड़वा के अस्पताल पहुंच गया। वैसे रूही, तेरे जैसी खुदगर्ज ना तो मैंने आज तक कभी देखी है और ना ही देखूंगी। अरे किस मिट्टी की बनी हुई है तू? मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? अपने उस भांजे पर निकालना, मैंने नहीं इतनी मोटी रकम गुमाई है। रकम? उसे रकम कह रही है फिर? हाँ तो जाहिर है, कर्जा ना उतारा तो वो इरफान फिरौना हमारे गले को आ जाएगा। जब आएगा ना खुद ही देख लूंगी मैं। और मेरी बात सुन, अगर तुझे कोई एहसास नहीं है ना तो अपनी जबान भी बंद रख, ऐसा ना हो अपनी बेबसी का गुस्सा मैं तेरा गला दबा कर निकाल लूं। अम्मा तू ना बस हर वक्त मेरे जी। बीबी जी, बुआ एक गिलास पानी ला दीजिए। जी अभी लेकर आई। बीबी जी पानी मांग रही है, मैं अभी ना पानी देकर आती हूँ उनको। और तू ना तब तक ये थोड़ी सी सलाद काट दे, समझ रही है ना?
सत्यानाश हो जाए तेरा इरफान के बच्चे। पहले वो मूसा क्या कम था जो तू फिरौन भी खतरे की तरह सर पे मंडलाने लगा। अल्लाह करे दोनों किसी टक के नहीं जाके मर जाए। कहां मेरे ख्वाब और कहां ये फकीर। बेबी जी पानी। जज़ाकल्लाह। बुआ जी क्या हुआ आपको, कुछ परेशान है? क्या बताऊं बेबी जी, सब किस्मत की सितम ज़र्फियां हैं। आप थक कर आई हैं ना, आप आराम करें, बाद में बताऊंगी आपको। बुआ मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या हुआ, कहीं बैठे? वहां क्यों, यहाँ बैठे बुआ, प्लीज बैठे यहाँ। मैं आपके बराबर यहाँ बैठी जी। क्या हुआ? बस बीबी जी, वो रूही का मंगेतर है ना मूसा, कल रात को उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी बीबी जी, और काफी सारी चोटें आई उसको, और 3 लाख की रकम का अलग से नुकसान हो गया। 3 लाख का नुकसान, वो कैसे? अपनी माँ के जेवर बेचकर मेरा कर्जा उतारने के लिए जा रहा था, जब मोटरसाइकिल से गिरा तो लोग सारी रकम भी उठा कर ले गए। ये जालिम लोग हैं। आप प्लीज प्लीज मत रोए, ठीक हो जाएगा सब, कोई ना कोई हल निकल आएगा। वैसे आपने आज से पहले कभी भी इस कर्जे का जिक्र नहीं किया है। क्या बताती बीबी जी, अपने खावंद की बीमारी की वजह से मैंने उसके इलाज के लिए कर्जा उठवाया था, और जिससे कर्जा लिया मेरी बदनसीबी तो देखिए, अरे उसी मल्ले के लड़के से लिया जो रूही पर आंख रखता है। अब मैं समझी, पहले उसने आपके और रूही के दिल में जगह बनाने के लिए आपको पैसे दे दिए, अब जब उसे पता चला कि आपने रूही का रिश्ता अपने भांजे से कर दिया तो पैसे वापस मांग रहा है। अब तो वो पूरी रकम मांग रहा है कि इकट्ठी रकम दो और 3 दिन के अंदर अंदर। अब बताइए मैं कहां से लेकर आऊं। इतनी सेल्फिश इंसान है। बस दुआ करे बीबी जी, अल्लाह पाक कोई वसीला बना दे, कोई हल निकाल दे, कोई रकम का बंदोबस्त हो जाए, मेरी इज्जत रख ले बस अल्लाह। अच्छा बीबी जी मैं चलती हूँ, नीचे जाकर काम करूँ, बहुत सारा काम पड़ा। मूसा चल बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आए हैं। कह रहा था जो चोटें हैं ना वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी, बस तुम्हें परेशान नहीं होना और एहतियात करनी है। नसीबा बेचारी का भी फोन आया था, बहुत परेशान थी, शर्मिंदा हो रही थी तुम्हारे लिए, लेकिन वो रोही उसने तो पलट कर एक बार भी नहीं पूछा, हालांकि तुम्हारी हालत देखकर गई थी यहाँ से। बड़ी शिद्दत से याद करती हैं आप अपनी बहू को, ये जो आपका प्यार है ना उसके लिए, ये शादी के बाद इश्क में तब्दील हो जाएगा। अरे पहले शादी तो हो ले। होगी इंशाल्लाह होगी, आप दुआ करें ना। हाँ इरफान और रूही के लक्षण ठीक हुए तो हो ही जाएगी, छोड़ो इन बातों को, तुम आओ घर चलते हैं आज। अरे ऐसे जाऊंगा क्या, मेरे कपड़े लाई है। नहीं मैं वार्ड भाई को भेजती हूँ, चलो ये सामान यहाँ रखो, ठीक है।
मैं भेजती हूँ उसे। हेलो, देखिए मेरा नाम मुराद है, क्या मेरी मिस अनीशा से बात हो सकती है? मुराद, क्या आप मेरी आवाज भी भूल गए हैं? नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारी इस खूबसूरत आवाज को कैसे भूल सकता हूँ, जो मेरे हर दिन में रंग भर देती है। लेकिन आज इस आवाज में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा, क्या हुआ? मुझे बहुत ज्यादा मिस तो नहीं कर रही हो? आप तो मेरे दिलो दिमाग से जाते ही नहीं है, तो क्या मिस करूंगी आपको? अच्छा तो फिर क्या बात, तुम तो निमल के साथ शॉपिंग पर गई थी, नहीं हो सकी क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, शॉपिंग तो हो गई थी और बहुत अच्छी हो गई थी। तो फिर इतनी डाउन क्यों हो? रात में बुआ की वजह से थोड़ी परेशान हूँ, उन्होंने किसी से कर्ज लिया था और वापस करना है। अनीशा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इतना सेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं होती। देखो मैं बुआ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बुआ ने अगर कर्जा लिया तो ये उनका प्रॉब्लम है, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मुराद मैं सोच रही थी अगर हम बुआ को ये रकम एडवांस सैलरी के तौर पर दे दें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, कितने पैसे देने? 3 लाख। क्या? देखो तुम खुद सोचो, 3 लाख हम उनका कर्जा देंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी के पैसे मांगे हैं, 3-4 लाख वहां लग जाएंगे। This is not fair ना, इतने पैसे कैसे दें? मैं नहीं जानती मुराद कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ अगर हम उन्हें। अनीशा ये मुमकिन नहीं, इसके लिए ना तो तुम मुझे फोर्स करोगी और ना अपने अकाउंट से पैसे दोगे। लेकिन मुराद। अनीशा समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम, हमारे ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज हैं, में हर इंसान का कोई ना कोई मसला तो होता है और उस मसले को हल करना भी उसी का फर्ज होता है। हल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, अब हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। शाम को जब मैं घर आऊं तो मुझे तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आना चाहिए। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाय। अरे वो तो शुक्र है मेरे मालिक का कि मूसा को डॉक्टर ने जल्दी छुट्टी दे दी, वरना मैं तो परेशान हो रही थी कि पता नहीं और कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। हाय एक ही एक तो बच्चा है मेरी बहन का, और वो भी हमारी वजह से मुश्किल में फंस गया। अरे मेरा बस चले ना तो कल ही निकाह करवा दूं मैं तेरा, और वो मुआ इरफान, और वो भी तो तेरा रिश्ता हथियाने के लिए जल्दी रकम मांग रहा है। दिन तो खराब कर ही दिया था, रात भी खराब कर दी है। अच्छा खासा सो रही थी अम्मा, पता नहीं तुझे क्या मसला है मेरी नींद से, और ये जो तू निकाह कर रही है ना, बस बहुत हो गया। मैं कुछ खा के मर जाना कबूल करूंगी, लेकिन उससे निकाह नहीं करूंगी। चल ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं दोनों माँ बेटी मिलके ना जहर फांक लेते हैं। हाँ वो तेरी मर्जी है, खा लेना, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, वो भी उस मूसा के पीछे। तो घड़ी सुकून नहीं है जबान है इसकी। अबे ये डायलॉग मारने के बजाय अगर मेरी कर्ज की रकम लेकर आता ना तो
ज्यादा अच्छा था। सिर्फ तीन दिन, तीन दिन की मोहलत है तेरे पास। क्या सोच रहा है कि 72 घंटे में 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे होगा? मैं बताता हूँ कैसे होगा। एक सौदा करते हैं मूसा, मैं अपना कर्ज भूल जाता हूँ और तू उसी को भूल जाता है। बेटा क्या करती, सोचा यही था कि थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतार दूंगी, पूरे वक्त का भुगतान है, अकेली भुगत लूंगी। पर उस कमीने ने तो पूरे के पूरे पैसे ही मांग लिए एक साथ। मोहलत याद है ना, सिर्फ तीन दिन, तीन दिन की मोहलत है तेरे पास। क्या कर रहा है? कैसे आया? निकल, निकल मेरे घर से। तेरी मोहब्बत में आया हूँ यहाँ पर। अम्मा! अरे रुक जा, कहाँ भाग? और जोर मत लगा। मर्द के हाथ में तेरी नाजुक कलाई है, कहीं चटक ना जाए। अम्मा! रुई! इफ़ान! अच्छा मेरे बच्चे को! अरे भाग यहाँ से! अम्मा! भाग! अरे भाग! अरे भाग! चल मेरे साथ, वरना तुझे भी गोली मार दूंगा और तेरी माँ को भी। बस छोड़ दे मेरे बच्चे को, मैं कह रही हूँ छोड़ दे मेरे बच्चे को।
रात ये देखे ये शर्ट ये भी शर्ट है ये वापस बिनीस भी ले आई थी मैं अरे वाह अच्छा वैसे बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरे साथ जाकर तो ये सारी शॉपिंग नहीं हो सकती थी मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चों के कपड़े इतने छोटे होते हैं है ये देखो तो सही कितने छोटे हैं यार बच्चे इतने छोटे हैं जाहिर है कपड़े भी छोटे ही होते होंगे पता है मुराद ये सब कुछ हमारे लिए नया है लेकिन खूबसूरत है आप इन कपड़ों को छूओगे ना आपको बच्चे की मौजूदगी का एहसास होगा हाँ बाकी बहुत ही खूबसूरत एहसास है लेकिन पता है इस तमाम तर खुशी के बावजूद बस एक चीज है जो मुझे उदास कर रही है क्या तुम्हारे चेहरे की उदासी तुम जानती हो तुम उदास होती हो तो मेरा दिल डूबने लगता है समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझा देखो दुनिया में मुख्तलिफ लोग होते हैं उन सबसे अलग तरीके से डील किया जाता है ये सब आना चाहिए तुम्हें अनीशा मुराद आप जो भी कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ और मैं कभी भी आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी सॉरी मेरी उदासी की वजह से आप उदास हो गए पूरी दुनिया एक तरफ कि मैं आपको परेशान नहीं कर सकती तो अगर तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती तो अपनी इस उदासी को खत्म करो मैं देखो इतनी अच्छी शॉपिंग करके लाई हूँ मतलब हम चाहे तो सारी रात इसको देख सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बहुत देर हो चुकी है सोना भी है ये कैसे जैसे मैं अपनी शर्ट नहीं मैं ट्राई कर सकता हूँ मैं करता हूँ जा रहे हो मैं इरफान की तरफ जा रहा हूँ मुझे उससे बात करनी है अरे किस हालत में जाओगे तुम्हारी हालत ठीक नहीं है ठीक हूँ अब बेहतर हूँ जाने दे मुझे बैठ जाओ यहाँ पर कहीं नहीं जाओगे तुम हालत तो देखो बेटा पहले अपनी हालत तो ठीक कर लो फिर जिसकी जो मदद करनी हो वो कर लेना मैं कब मना कर रही अम्मी देखो बेटा तुम्हें मेरे सर की कसम है अभी तुम कुछ नहीं करोगे आराम करोगे घर में बस जो करना हो ना अपनी हालत ठीक होने के बाद कर लेना मैं बात नहीं समझ रही हूँ वो लोग ब्लैकमेल करेगा उनसे बदतमीजी करके हमें जाने देना अरे कुछ नहीं होगा नसीमा बहुत समझदार है वो कोई ना कोई हल सोच लेगी बस तुम अल्लाह पर भरोसा रखो अल्लाह मदद करेगा हमारी हमें नहीं हमें दिल नहीं मान रहा मैं कह रही हूँ ना मेरा बेटा नहीं जाओगे तुम यहाँ बैठो आराम करो शाबाश
बल्कि वहां लेट जाओ, है वहां जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सूप बनाया, मैं गरम गरम लेकर आती हूँ। जाओ शाबाश, जाओ जाओ। इक्कीस साल क्या कम होते किसी की शराफत और नियत को परखने के लिए? ना तो ये महल्ला मेरे लिए नया है और ना मैं महल्ले वालों के लिए। मेरे बल्लेदार तो एक छत की तरह होते जहाँ सबके सुख दुख सांझे होते। रूही के बाप के जाने के बाद मैं एक बार नहीं टूटी, और ये सोचकर कि मेरे बल्लेदार बहन भाई मेरे साथ है, मेरे हर दुख सुख परेशानी में मेरा साथ देंगे। मगर आज अफसोस होता है मुझे आप लोगों पर, मुझे अपना कहने वाले कितने पराए हो गए मेरे लिए। तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त है नसीमा बहन, बात हजार दो हजार की होती तो पेट काट के कुछ कर लेते, मगर मौजूदा हालात के अंदर दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। तो क्या झोली फैला रही हूँ सबके सामने? अरे कुछ मांग तो नहीं रही मैं? सारी जिंदगी अपने नसीब पर सबर शुक्र करके गुजर की है मैंने, मगर आज बात मेरी इज्जत की है। अरे एक जवान जहान मर्द मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहा है। मुझे बताए क्या आप लोगों की गैरत गवारा करती है ये? अरे आप लोगों के घर में भी बहन बेटियां हैं, मुझे बताएं कल को अगर यही वक्त आप लोगों पर आ गया खुदा ना खास्ता तो क्या करेंगे? अरे ऐसे दरिंदे को खुलेआम फिरने के लिए छोड़ देंगे? क्या ये सही होगा? मैं तो बस इतना कह रही हूँ, खुदा के वास्ते इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ दिला दो, बस मेरा साथ दे दो। क्या हो गया? इरफान नाम है मेरा। हाँ टेंशन भी ले रहा है तो कौन जाएगा? लड़कों को तैयार रखना बस। चल ठीक है, चाय रख दी ना, जाओ। मोहल्ले से लड़का आया था, नसीमा खाला ने तुम्हें अपने घर बुलाया। ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया है उन्होंने और तुम्हारे खिलाफ कमेटी भी बिठाई है। लगता है बुढ़िया का दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है। खुदा का खौफ करो भाई, माँ है वो, अगर उन्होंने बददुआ दी ना बर्बाद हो जाओगे तुम। मैं बर्बाद हुआ ना तो कोई भी आबाद नहीं रहेगा। वासुन, अपनी सहेली की मोहब्बत में पीछे आने की जरूरत नहीं है, यहां बैठ जा आराम से। चाय पी ले। क्या कसूर था मेरा? बात करने को नसीमा हम भी कर सकते हैं, लेकिन इतने मुंहजोर आदमी को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। आखिर को हमारी भी जवान जवान बेटी है, क्यों बहन? सही कह रही हूँ ना? हाँ नसीमा, शकीला ठीक कह रही है। तुमने पूरे मोहल्ले को बुलाया और इरफान के डर से ना कोई भी नहीं आया सिवाय हमारे। हम आए तुम्हारी मोहब्बत में। तुम लोगों की बेटियों के लिए तो कह रही हूँ कि अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करो। अगर मेरी बेटी की इज्जत महफूज ना रही ना तो तुम लोगों की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी।
अरे ये बदमाश जो गुंडे हैं ना, इनके हौसले और बढ़ जाएंगे। खाला, अरे वाह वाह, पूरे मोहल्ले को पहले ही बराती बनाकर जमा किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ खाला, क्या कहती हो, गाजी साहब और मिठाई मंगवा लूं? क्योंकि पैसे तो तुम दोगी नहीं। रिश्ता ही दे दो। रूही तेरे बाप का माल है, तेरे जैसे मरते को ना पानी ना दू, रिश्ता देना तो दूर की बात है। रूही तू चुप कर, बात करने दे मुझे। सुन इरफान, तुझे यहाँ तेरी हद बताने के लिए बुलाया गया है, ना कि रिश्तेदारी बनाने के लिए। बस तो ठीक है खाला, मुझे फिर अपने पैसे चाहिए, आज, अभी और इसी वक्त। मेरा ख्याल से यहीं कहीं बुआ को छोड़ा था उसे। इस तरफ ही गई थी। भाई साहब जी, यहाँ पर कहीं नसीमा बुआ नाम की एक खातून रहती हैं। जी ये सामने वाला घर है। बहुत शुक्रिया। जी मैं चल। इरफान बेटा, बस बस वही बोले जो मेरा कर्ज अदा करे, वरना अपने अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। हुआ अस्सलाम वालेकुम नसीमा बुआ। साहब जी, बीबी जी, बीबी जी, आप लोग इस वक्त यहाँ? सब खैरियत है, इतने सारे लोग? लो भाई, और हमदर्द आ गए इनके, या शायद इनकी मालिक और मालकन है जो हमदर्द बनने के लिए आए हैं। हाँ इरफान, तू जा यहाँ से, तेरा मेरा मामला है ना, बाद में बात करूंगी। वाह खाला वाह, जब मुझे जलील करना था तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया, जब अपनी इज्जत पे बात आई तो मैं यहां से चला जाऊं। यहां से नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, शोर करने की क्या जरूरत है इसमें, शरीफों का घर है, आराम से बात कीजिए। तो आप हैं वो जिनसे बुआ ने कर्जा लिया हुआ था, आप ही से मिलने आए थे हम, समझे? जितनी भी रकम बुआ ने आपसे ली थी उससे कुछ ज्यादा ही है, सब चाहे कैश करा लें, डिपॉजिट करा लें, आपकी मर्जी। एक बात और, शरीफ आदमी हो इसलिए करीब बुलाकर ये बात कर रहा हूं। डीआईजी साहब मेरे चचा है, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर, आज के बाद इस घर में तो क्या इस मोहल्ले में भी नजर आएगा अच्छा नहीं।
अरे साहब मैं यहाँ क्यों नजर आऊंगा, मेरा क्या वास्ता? और मैं बदमाश आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल शरीफ आदमी, अपना कर्ज लेने आया था, कर्ज मिल गया, मेरा क्या वास्ता? अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रूही। पप्पू वो अभी यहाँ से निकल। साहब जी, बीबी जी, आप लोग तो इस वक्त फरिश्ता बनकर आ गए मेरे घर में। और क्या कर रही हैं, हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? आप लोगों की भी बड़ी मेहरबानी, आप लोग जाए अब। हाँ हाँ खाला जाओ, हो गया सब खत्म। बीबी जी, साहब जी, आइए ना, आइए बैठिए। अरे इधर आइए। अरे रहने दीजिए। अरे आइए बीबी जी, बैठिए। अरे इधर बैठिए। ए रूही, जा जाके ना चाय पानी का इंतजाम कर। नहीं बुआ, इसकी जरूरत नहीं है। बीबी जी, पहली बार आप लोग मेरे गरीब खाने पर आए, थोड़ी सी खिदमत का मौका दे दें।